ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ अज्ञान्तिम्रान्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं कदाति स्वापदान्तिकम्। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं पूरी आई कौन की कोई आईटीटी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सेकंड टाइम मौका दिया आप सबके सामने बोलने का। तो सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी सीतापुरम पाठ के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। सीतापुरम पाठ का जो नाम था वो नाम था अभयचरण, असली नाम था अभयचरण। अभयचरण जो है बचपन से वैष्णव भक्त थे। 1922 में लगभग जो है 1922 में जो है शिला प्रभुपाद अपने गुरु से मिले, भक्ति श्रीराम स्वामी से मिले, और भक्ति श्रीराम स्वामी ने उन्हें कहा कि आप अमेरिका में जाकर भगवद गीता का प्रचार करें 1922 में। तो उस वक्त जो है प्रभुपाद जी थोड़ा सोचने लगे कि अमेरिका जाके मैं क्या करूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर 1933 में प्रभुपाद जी ने सरस्वती ठाकुर से जो है उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा प्राप्त करने के बाद जो है वो भगवत गीता का ट्रांसलेट करना शुरू किया, भगवत बुक का भी ट्रांसलेट करना शुरू किया, और भगवत बुक फिर जो है 1965 में वो अमेरिका गए। अब अमेरिका जब गए, अब यहाँ पर तकरीबन उनकी उम्र थी 60 साल, प्रभुपाद की उम्र थी 60 साल। अब यहाँ पर 60 साल की उम्र में जब वो अमेरिका गए तो अमेरिका कश्ती में गए थे। अब कश्ती में जब गए तो उस वक्त ट्रांसपोर्ट भी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो कश्ती में जाते ही उनको हार्ट अटैक का दौरा भी पड़ा काफी। अब अगर आपको कोई कहे कि आप कश्ती में जाएं वो भी अमेरिका, तो आप कहीं जाएंगे यहाँ से? या कोई जाएगा? या सुन लो, यहाँ पर कोई जाएगा? 60 साल की उम्र में वो अमेरिका गए और सफर के दौरान जो है उन्हें हार्ट अटैक भी आया, काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो जो है हिम्मत नहीं हारे और जब वो अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका में अलग ही वहां पर वातावरण था। जब देखा वहां पर तो वहां पर सारे जो लोग थे वो सारे नशे में धुन थे, नशा करते, जुआ खेलते और पढ़ाई इसी को देखते, और साथ साथ जो है वो मांस मछली वगैरह भी खाया कर रहे थे। तो जब प्रभुपाद जी ने देखा कि ये तो लोग वगैरह सब्जी में लगे हुए हैं तो क्या होगा उन लोगों का, फिर वो जो है प्रभुपाद जी ने जो है वो भगवान से अरदास की कि हे कृष्ण, आपने जो है मुझे यहाँ पर क्यों भेजा इस इतने खतरनाक मुल्क में जहाँ पर जो लोग जो है नशे में, जुए में, गोश्त खाने में और पराई स्त्री देखने में जो है लगे हुए हैं, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, बैठ के जो है हरे कृष्णा महामंत्र गाना शुरू कर दिया, और गाते 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 जो लोग नशा वगैरह किया करते थे और नशे में जुमा करते थे, प्रभुपाद जी ने उसे हरि नाम के नशे में जुमा दिया, हरि नाम के नशे में जुमा दिया। तो ये है प्रभुपाद जी। अच्छा, प्रभुपाद जी ने काफी चीजें जो है उनकी किताब की ट्रांसलेशन की। अब किताबों का अलग ही जो है अहमियत है। लोग कहते हैं कि अगर आप किसी लोगों को जानना चाहते हो तो आप उनकी किताबों को पढ़ो, क्योंकि किताब भी एक ऐसा जरिया है कि आपको लोग बता सकते हैं कि वो
बंदा कैसा है और कैसा नहीं है। तो अगर आप प्रभुपाद जी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्रभुपाद जी की जो बुक्स है उनको पढ़ा करें और उनको समझा करें। तो उसी दौरान प्रभुपाद जी काफी लोगों से मिला करते थे, पॉलिटिशियन से, रिलीजियस स्कॉलर से, और साथ साथ जो है काफी लोगों से मिला करते थे। तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो उसी हवाले से ही है, से एज इट इज, से एज इट इज, यानी जैसे असली रूप में कहा गया उसी तरह से आज जो है प्लेटफॉर्म के जरिए यहाँ पर कहा जाएगा। अब प्रभुपाद जी काफी लोगों से इंटरव्यू किया करते थे, तो वही जो प्रभुपाद जी ने इंटरव्यू किया था प्रभुपाद जी ने, तो आज जो है वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे वही एक्ट किया जाएगा। अच्छा, ये जो है मंथ में एक बार किया जाएगा, और इसकी जो टाइमिंग जो होगी वो 20-25 मिनट की होगी, और ये जो है भक्तों के जरिए किया जाएगा, और वेन्यू जो है वेन्यू हमारा यहाँ पर प्लेटफॉर्म ही है। तो जाते जाते जो है मैं एक शेर कहूंगा कि अच्छी है बुरी है दहर फरियाद ना कर, अच्छी है बुरी है दहर फरियाद ना कर, जो कुछ गुजर गया उसे याद ना कर, अच्छी है बुरी है दहर फरियाद ना कर, जो कुछ गुजर गया उसे याद ना कर, दो चार नफ्स उम्र जिंदगी मिली है तुझको, दो चार नफ्स उम्र जिंदगी मिली है तुझको, दो चार नफ्स उम्र को बर्बाद ना कर, बर्बाद ना कर। अच्छा, तो अब जो है मैं दावा देना चाहूंगा कन्हैया दास और पुरुषोत्तम गोविंद को, वो आए और यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट एक